जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा भारत को उनका टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर अब डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि दोनों देश के डिफेंस रिलेशन और कोऑपरेशन को बूस्टअप करेगा। तो चलिए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस कदम को भारत के लिए क्यों लिया गया है और दोनों की रणनीतिक साझेदारियां इंडो पैसिफिक रीजन में क्या रहेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी लंबे समय से एक दूसरे के काफी अच्छे सहयोगी हैं। ट्रेड हो या फिर डिफेंस कोऑपरेशन हो, दोनों देश बेहतर करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक में जो सुरक्षा चुनौतियां आपकी इजाद हो रही हैं, मेनली जो चाइना के द्वारा दी जा रही है, तो उसी के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2024 का न्यू नेशन डिफेंस स्ट्रेटजी को रिलीज किया गया है, जहां पर उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ले आने का फैसला किया है और भारत को अपना टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर अब डिक्लेयर कर दिया है। ये भारत के लिए काफी बड़ी बात है। इससे पहले अमेरिका हो, फ्रांस हो और अब ऑस्ट्रेलिया हो, सभी के द्वारा भारत को आपका टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर आपका डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जिसमें अभी उनके प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज हैं, उन्होंने कहा है कि Australia will continue to support India's key role in the region by increasing the depth and complexity of our defence cooperation. The government continue to seek opportunities to India with India to drive practical bilateral and multilateral cooperation. तो यहाँ पर दोनों ही देश अपने practical bilateral और multilateral cooperation को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने फरवरी में देखा ही होगा कि हमने मिलन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया आई थी और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी एक्सरसाइज पिच ब्लैक और काकाडू होस्ट की जाती है, जहां पर भारत को भी आपको बुलाया जाता है। 2024 में इनके द्वारा IIP अर्थात इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को आपका रिलीज किया गया है, जो कि स्पेसिफिक डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन्वेस्ट की जाएंगी और मेनली भारत और ऑस्ट्रेलिया का इसमें आपका सहयोग भी रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी नई जो डिफेंस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी पॉलिसी लेकर आई है, उसमें उन्होंने बहुत सारी आपकी बातें कही है। मेनली अगर आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखोगे तो वो आपको पैसिफिक की तरफ दिखेगी और पैसिफिक में आपके चाइना के एकदम साउथ में, काफी साउथ में जो है ऑस्ट्रेलिया आता है और वहां पर जो पापुआ न्यू गिना छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है, उसके पास चाइना जो है अपना एक नेवल बेस बनाकर जा रहा है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा खतरा है। इसी कारण एल्बनीज गवर्नमेंट के द्वारा 330 बिलियन यूएस डॉलर आपका IIP प्रोग्राम में 2023-34 में आपका खर्च किया जाएगा, यानी पूरे एक डिकेड में आपका खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनकी GDP जो है राइज करेगी 2.4% बाई 2023 and 2024, अप टू 0.3% हायर देन स्पेंडिंग ट्रेजेक्ट्री सेट बाई द फॉर्मर गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का मूव है भारत के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक ओपन फ्री हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिससे कि किसी दूसरे देश का दबाव ना हो। और किस देश का दबाव हो? आपका चाइना का। तो देखिए, हम जानते हैं कि चाइना इज अ टाइप ऑफ अ एक्सपेंशनिस्ट नेशन और जो अपने नेवल पावर के माध्यम से जो है पूरे सी ट्रेड को आपके सी रूट को अपने कैप्चर करना चाहता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कहा है कि आप हमारे टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर हो और ऑस्ट्रेलिया की नई डिफेंस स्ट्रेटजी में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आपका सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक का नक्शा देख पा रहे हो, जहां पर ये आपको चाइना को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका ये पैसिफिक ओशन है, ओके। फिर यहाँ पर आपके साउथ में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा देश है, मेनली 60% तो मरुस्थल है यहाँ पर ना, हम कह लें पठार है और बाकी 40% में उनकी जनसंख्या आपकी रहा करती है। इसमें ये भी कहा गया है कि दिस इंक्लूड कंटिन्यूइंग टू स्पेंड आवर पार्टनरशिप विद जापान एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कह दिया है कि हम भारत और जापान दोनों को ही लेकर आपका साथ चलेंगे, जिससे कि हम इंडो पैसिफिक में आपका सहयोग ले पाएंगे। ऑन द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नेशन डिफेंस स्ट्रेटजी नोटेड दैट द रिस्क ऑफ अ क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट इन द ताइवान स्ट्रेट। अगर हम बात करते हैं ये ताइवान स्ट्रेट की, तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो और ये आपका नाइन डैश लाइन कहा जाता है, चाइना के द्वारा इसको खींचा गया है। चाइना के विवाद ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ भी रहा करता है
और ये जो रीजन है वहां पर ट्रेड काफी आपका होता है। अगर चाइना का इन्फ्लुएंस पकड़ यहाँ पर हो जाएगी तो वो स्वाभाविक है कि वो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफी तेजी से बढ़ता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ तेजी से बढ़ने के साथ जो है वो आपका ट्रेड रूट पर कब्जा कर लेगा। वहीं पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ये भी कहा है कि जो टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जाता है चाइना के सपोर्ट से, उसको रोकने में हमें एक साथ आपका आना चाहिए। और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में किस प्रकार से जो वायलेंस आपका उत्पन्न हो रहा है वहां पे भी हमको चाहिए कि हम सहयोग से सभी को शांत करने में अपना प्रयास करें और सिचुएशन को बेहतर करें, क्योंकि जितनी शांति होगी उतनी ही समृद्धि आती जाएगी। अभी आप जानते हो कि इसी साल इसी महीने में 2 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक चीफ ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी वाइस एडमिरल मार्क हैमंड जो है भारत के यात्रा पर आए थे। वहां पर उन्होंने हमारे CDS और हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आर हरि कुमार के साथ आपकी मुलाकात भी की थी। दोनों ही देशों के द्वारा आपका म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है, जिसके माध्यम से हम हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन और कोऑपरेशन फॉर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग को आपका बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसी प्रकार से दोनों देशों के द्वारा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट 2020 में आपका साइन किया गया था और ज्वाइंट गाइडेंस फॉर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप को भी आपका साइन 2021 में किया गया है। दोनों देश एक दूसरे के साथ जो है 2+2 डायलॉग भी किया करते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के नेवी की स्ट्रेंथ की, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में ऑकस सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है। ऑकस में ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, यूएस फॉर अमेरिका, और अमेरिका और यूके मिलकर जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन आपका प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी आपकी मजबूत हो पाएगी। और ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, साथ ही साथ आपका अमेरिका, इन्होंने क्वाड बनाया है। इसकी वीडियो हमने अपने ही चैनल पब्लिश की है, उसको भी आप देख जाकर देख सकते हो, जिससे कि हम बेहतर तरीके से कोऑपरेशन करके इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को आपका ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ आप SSB CAT एग्जाम के SSB इंटरव्यू और रिटर्न कोर्स से दूर होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर लें, वो रिटर्न कोर्स का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।